नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टरी अड्डा पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी की 24,000 से ज्यादा वैकेंसी आ गई है, मगर उस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए, पास आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि जैसे कि एसएससी की नोटिफिकेशन में लिखा है, जो एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है वो जनवरी 2030 बताई गई है, और अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर, अगर जनवरी में भी एग्जामिनेशन होता है तो मान लो 3 महीने आपके पास है अभी तैयारी करने के लिए, 3 महीने 2.5 महीने। तो इस 2 महीने 2.5 महीने में जो आपको तैयारी करनी है वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिलेक्शन मतलब पूरा आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, आपको थोड़ी सी बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, उसको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बुक्स वगैरह भी रिफर कर दूंगा आपको, और उस बुक्स से आप तैयारी करो। एसएससी जीडी आपका निकलेगा 200% निकलेगा अगर आप ईमानदारी से करोगे। अगर आपके अंदर जज्बा होगा, जोश होगा वर्दी चाहने का, तो 100% निकलेगा, 200%। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, क्लासेस मिलती रहेगी, और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना अगर मुझे पर्सनली जानना चाहते हो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो चलते देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिलेबस में है क्या। सिलेबस में टोटल आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, 80 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 160 नंबर का पेपर होगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, माइनस मार्किंग 0.5 की होगी, यानी कि 1/2 की माइनस मार्किंग होगी। 1/2 की माइनस मार्किंग के साथ अगर मेरिट को जज करना बहुत ही मुश्किल होगा, और ये पेपर पे भी डिपेंड करेगा पेपर आ कैसे रहा है। मगर पेपर के डर से हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमें ये देखना है कि हमारी तैयारी कैसे है। अगर हमारी तैयारी अच्छी है ना, तो पेपर कैसा भी आएगा निकलेगा जरूर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन जो आएंगे, उसके लिए हमें पढ़ना क्या है। देखिए ये टॉपिक जो सारे लिखे हुए मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि ऑल इंडिया आपको पता है फॉर्म है, अगर मैं हिंदी में लिख दूंगा तो अदर जो लैंग्वेज वाले हैं जिनको इंग्लिश ही आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ बच्चे होते हैं, हमारे साउथ के होते हैं, तो यहाँ मैं इंग्लिश में टॉपिक लिखा हूँ, आप इनको देख लेना, यूट्यूब पे कहीं पर सर्च कर लेना, या फिर आप अपने कहीं बुक्स में देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात कर ले, तो जो सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन वहां से आएगा, सिमिलैरिटी और जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आएगा। अगर आप रीजनिंग की बात करो ना, तो बुक के लिए रीजनिंग की ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, रीजनिंग की इसमें सारे टॉपिक दिए गए हैं और अच्छे तरीके से दिए गए हैं, आप इस बुक को प्रिफर कर सकते हो, अच्छी बुक है, लाइबल है, और विश्वास कर सकते हो इसमें, मैंने भी इससे तैयारी की है और मेरा भी एसएससी इसी से क्लियर हुआ था। अब देखते हैं जो आपकी जो स्पेशल विजुअलाइजेशन है उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। आपकी जो तीसरा पॉइंट है वो विजुअल मेमोरी है, तो विजुअल मेमोरी से भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो चौथा है वो है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। पांचवा जो है वो है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। ये सब टॉपिक आप लिखते जाना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशनशिप से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मामा का, ताता का, दाई का, ऐसे वाला जो रिलेशन होता है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। फिर आएंगे अर्थमेटिकल रिलेशन, जैसे कुछ नंबर सीरीज दी रहती है उससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगा फिगर क्लासिफिकेशन, जैसे कुछ फिगर आपको दिए रहते हैं या कोई पेपर फोल्ड कर देता है या कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो फिगर क्लासिफिकेशन से आएंगे। उसके बाद जो नवा टॉपिक आपको मिलेगा वो मिलेगा अर्थमेटिक नंबर सीरीज, इसमें भी अर्थमेटिक के नंबर सीरीज होंगे, यानी कि कोई जैसे कि मान ली 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है, ऐसे करके जो सीरीज बनती जाएगी वैसे होगा। उसके बाद नॉन वर्बल भी आएगा, वर्बल भी आएगा, नॉन वर्बल भी आएगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी आएगी आपकी। तो ये पूरा आपका रीजनिंग का सिलेबस है, आप इस बुक को प्रिफर भी कर सकते हो और काफी अच्छी बुक भी कहूंगा, आप इससे तैयारी करो 200% अगर आपने ईमानदारी से की है। अभी मैं इसकी स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा, कि स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। इन सबको पढ़ने का तरीका बस यही है कि आपको सारे टॉपिक तो पहले बात क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है हर टॉपिक में, हर टॉपिक में प्रैक्टिस करनी है, और स्टार्टिंग में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम से 20 दिन पहले, 15 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट देना है ज्यादा से ज्यादा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जनरल अवेयरनेस और जीके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का आएगा। तो 20 क्वेश्चन जो आने वाले कहां कहां से पूछे जाएंगे ये बता देता हूं आपको, और बेहद ही आप इसको याद रख लेना, बुक भी प्रिफर कर दूंगा इसके लिए। देखिए करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर में पूछेगा क्या, करंट अफेयर में वो पूछेगा जो इस समय आपके 2022, ठीक है, 2022 का, जैसे कि आप जुलाई के बाद का जो होगा ना उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानना। तो उसमें जो होगा उसमें से कि इंटरनेशनल न्यूज हो गई, कोई
कुछ इंडिया के मतलब फेमस न्यूज हो गए, कुछ चीजें चेंजेस हुई, तो उसमें देख लेना, फेमस पर्सनालिटी देख लेना, किसी की डेथ हुई हो, कोई बुक लॉन्च हुई हो वो सब देख लेना, कहीं के राष्ट्रपति चेंज हुए हो, ठीक है, और कहीं कोई अच्छा मुख्यमंत्री बना हो, कहीं प्रधानमंत्री बना हो, चेंज हुए, राज्यपाल चेंज हुए, वो सब देख लेना करंट अफेयर से। उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री में तुम पढ़ लेना सब कुछ, और ज्यादातर कोशिश करना कि मेडिवल हिस्ट्री, जो मध्यकालीन वाली हिस्ट्री जहां पर अकबर वगैरह आए थे, वो वाली हिस्ट्री ज्यादा पढ़ लो, क्योंकि मेडिवल से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एसएससी में। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक है कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछ लेना, जैसे कि कौन सा नृत्य कहाँ पर होता है, जैसे कि कथक कहाँ का नृत्य है, ये सब कल्चर से, टेम्पल कहाँ पर है, ये सब क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद जियोग्राफी से क्वेश्चन आएगा, जियोग्राफी में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि मकर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसमें आपका इंडियन जियोग्राफी भी आप देख लेना थोड़ा सा, और कुछ इंटरनेशनल जियोग्राफी, इंटरनेशनल जियोग्राफी आपको काफी हार्ड लेवल पे नहीं देखनी है, केवल सिंपल से, जैसे अफ्रीका में कौन सा सबसे गर्म देश है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आएगा वो इकोनॉमिक सीन्स आएगा, इकोनॉमिक सीन्स में आप देख लेना, जैसे कुछ रेपो रेट वगैरह चीजें होती हैं, वहां से भी क्वेश्चन देख लेना, हम इसकी प्रैक्टिस भी आपको टेलीग्राम चैनल पर कराते रहेंगे। उसके बाद जो छठवां है वो है जनरल पॉलिटी, पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, संविधान के बारे में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि राष्ट्रपति से आर्टिकल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, संविधान का निर्माण किसने किया, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको जो आठवां है वो है साइंटिफिक रिसर्च, तो साइंटिफिक रिसर्च से भी क्वेश्चन आएंगे, उनको भी आप देख लेना, और जो करंट में जो साइंटिफिक रिसर्च होगी उस पर ज्यादा देख लेना, और भी कुछ जैसे इन्वेंशन वगैरह हुआ होगा उसको भी देख लेना, नोबल प्राइज किसको मिला, ये सब क्वेश्चन देख लेना। तो जीए और जीके के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है, मगर मैं ये कहूंगा कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो उससे आप पढ़ सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैथ का, मैथ के भी 20 क्वेश्चन आने वाले, 40 नंबर का पेपर होगा, मगर मैथ में आपको पढ़ना क्या है, देखिए मैथ की बुक भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। पहली बुक तो आप देखिए आर एस अग्रवाल यूज कर सकते हो, अगर आर एस अग्रवाल अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आर एस अग्रवाल यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी है, और मैं कहूंगा इसके लिए आप बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और आप ये भी कोशिश कर सकते हो, अगर आप ट्रिकी बुक पढ़ना चाहते हो, ट्रिकी बुक भी देख सकते हो, ट्रिकी बुक से भी पढ़ सकते हो, तो ये बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैथ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे ये भी बता दो, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम से सिंपल क्वेश्चन आएंगे, होल नंबर से भी क्वेश्चन आएंगे, और डेसिमल्स और फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शन वाले 1/2 वाले क्वेश्चन, ठीक, रिलेशन बिटवीन नंबर, जो नंबरों के बीच में संबंध होता है वो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा सब कुछ आपको बुक में मिल जाएगा। उसके बाद अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी पूछे जाएंगे, जैसे कुछ आपको गुणा भाग दे दिया जाएगा, उस तरह के ऑपरेशन पूछे जाएंगे। उसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज सिंपल आपको बताया रखा है। फिर उसके बाद रेशियो इन प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आठवां जो एवरेज से भी क्वेश्चन आएंगे, जो बेसिक क्वेश्चन ज्यादा हार्ड लेवल के पढ़ने जो होते हैं। नाइन्थ और इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे, जो आपका SI होता है, CI होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां से आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन में आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, घन हो गया, ठीक, घनाभ हो गया, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप देखते होंगे कि गाड़ी जा रही है, आदमी दौड़ रहा है, उसकी टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह। उसके बाद आपका है रेशियो एंड टाइम, रेशियो टाइम से भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आएंगे कि ये आदमी मिलके इतने दिन में काम करते हैं, वो औरतें मिलके इतने दिन में काम करते हैं, तो कितने दिन में काम होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आप क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मैं वो भी बता दूंगा आपको। सॉरी, तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का पेपर होगा। तो इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या है, देखिए इंग्लिश का उन्होंने कोई स्पेशल मतलब सिलेबस नहीं दिया, मगर मैं इंग्लिश को बता दूं आपको पढ़ना क्या क्या। पहली बात तो आपको ग्रामर पूरा आना चाहिए, ग्रामर में आपके पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन वगैरह सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद आपका जो वोकैब है, वोकैब में जो साइनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वो सब पता होना चाहिए। आपके एडम फ्रेजेस पता होने चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता होने चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें आपको होनी चाहिए, मगर ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल लेवल का पढ़ना है, ठीक है। और आपकी इंग्लिश रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश पेपर दे रहे हो तो इंग्लिश के लिए पढ़ो, हिंदी के लिए भी आप सेम पढ़ोगे, हिंदी का ग्रामर आपको पता होना चाहिए, हिंदी में जो संधि होती है, समास होती है, वर्णमाला होती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसमें भी जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, विलोम शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, वो सब भी आपको पढ़ के चलना है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश पढ़ सकते हो, इंग्लिश की भी बुक मैं यहाँ से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आप पढ़ सकते हो।
लूसेंट की इंग्लिश की बुक है, और हिंदी की बुक पढ़ना चाहते हैं हिंदी की भी बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप इससे तैयारी कर सकते हो और आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बेहतर होगी। और समय आपके पास कम है, मैं बिल्कुल कहूंगा समय आपके पास बिल्कुल कम है, और आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी आने के बाद अगर आपने मौका खो दिया तो आप पछताओगे कि यार 2022 में इतनी सारी वैकेंसी आई और उसके बाद भी मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी, क्योंकि हर जगह से आजकल हर न्यूज मिल जाती है टाइम पे। तो अगर इस जमाने में अगर आपने जॉब टाइम पे नहीं ली, 4-5 साल लगा रहे हो, तो मतलब कोरोना वगैरह छोड़ दिया जाए, अभी की बात बता दूं 2022 से, तो आप बेवकूफी कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप जॉब टाइम पे नहीं ले पा रहे हो 2023 में, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम से भी पढ़ लेना, वहां पर मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, बुक्स वगैरह का भी सजेशन दे दूंगा। तो आप कोशिश ये करो कि आप ज्यादा से ज्यादा पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लो जल्दी से जल्दी, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस लगाओ, अपने आप को जांचो कि आपके अंदर कितनी पावर है, आपको कितना आता है। ये देखिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, प्रैक्टिस से कभी डरना नहीं। कभी कभी कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि प्रैक्टिस करूंगा कम नंबर आएंगे, डिमोटिवेट हो जाऊंगा, वो डिमोटिवेट नहीं होना है, वो तो आपको पता चलता है ना कि हमारे अंदर कमी क्या है। अगर कमी पहले पता चल जाएगा तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि आपको पहले पता चल जाएगा तो आप सुधार सकते हो, मगर अगर एग्जाम में पता चलेगा कि भाई मुझे ये आता ही नहीं है, तो वहां पर आपको कौन बताएगा, वहां सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर देना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।